हैप्पी सबको विजयादशमी, हैप्पी दशहरा। तो आज दशमी के दिन जो उधर सामने ही आप लोग को दिखाया नज़ारा, वो दुर्गा मंदिर कितना दूर में दिखा जा रहा था, बहुत ही भीड़ लगा है। जहाँ पे सिंदूर खिला होगा, मतलब हमारे बंगाली में जो बोलते हैं, तो हम लोग सब मिलके जा रहे थे रोड पे। तो देखिए हम लोग करीब ही आ गए हैं दुर्गा मंडप में। तो इधर देखिए अभी घाट को विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे, इसका ही प्रस्तुति हो रहा है, जो कि अभी थोड़ा टाइम लगेगा, तो अभी निकलने ही वाला है। फिर अभी निकलने के लिए रेडी है। तो ये देखिए उसका नज़ारा बहुत ही सुंदर सा। तो ये जाएगा एकदम जहाँ पोखरा है वहाँ पे जाके ये सब विसर्जन करें। तो इसको विसर्जन के लिए एकदम रोड के ऊपर ही अभी जाने के लिए बता रहे हैं सब। तो देखिए जितना भी है दुर्गा मंडप में सभी सिंदूर खेलने के लिए रेडी है, पर ये सब जब घूम के आ जाएंगे विसर्जन करके तभी चालू होगा। तो ये देखिए ये है दुर्गा मंदिर हमारे घर से रोड में। तो सब कितने सारे जा रहे हैं ये देखिए रोड पे, बहुत ही सारा एकदम रोड भर के है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही नज़ारा सुंदर सा है। हमारा इधर जो सिंदूर खेला होता है वही बहुत बड़ा, मतलब बड़ा तरीका से मनाया जा सकता है। और देख सकते हैं कि जो बीच में है छत्र वही पर ही जा रहे हैं, केला का जो केले का पेड़ रहता है उसको ही लेके जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए पूरा चालू हो गया था विसर्जन करना, अभी आ गए हम लोग तो सिंदूर खेला चालू हो गया। तो ये सब पूरा एकदम सिंदूर लगा के पैरों में भगवान के पूरा जो दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती सबको लगा के करना चालू करते हैं। और देखिए शांति जल भी हमारा ब्राह्मण जो रहता है वो देना चालू कर दिया, जो पोखरा से लाया था पानी। और ये देखिए यहाँ पे भी बहुत सारे फोटो शूट हो रहा है जो सिंदूर खेलना पूरा जब एंड हो गया। तो हम लोग यही पूरा नज़ारा आप लोगों के अच्छे से दिखा दिया। आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और मेरे को आगे बढ़ने में मदद करिए। जय माँ दुर्गा और हैप्पी दशहरा। तो ये सिंदूर खेला का जो है देखिए ये भी मेरा एक बहन है जिसको मैं भी लगाया थोड़ा और वो भी लगाया। तो सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और सब अच्छे से रहिए, माँ दुर्गा सबको अच्छे से रखे और आप लोग सुख शांति से रहिए और आप लोगों का दिन भी अच्छे से गुजरे। तो बाय, मेरा वीडियो देखते रहिए और मेरे को सपोर्ट करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, हैप्पी दशहरा। Oh.